गया है बारह वफात गणेश चतुर्थी को देखते हुए, जानकारी क्या कुछ है? देखिए, जिस तरीके से आगामी समय में कई त्योहार हैं, वहीं अगर बात की जाए गणेश चतुर्थी पर्व और बारह वफात की, तो उसके चलते जुलूस निकलेगा, जिसको लेकर के सोमवार को शहर के लगभग 25 मार्ग पर जो यातायात है उसकी व्यवस्था है वो बदल दी जाएगी। जिसमें आपको बता दूं कि झंडे वाला पार्क अमीनाबाद से सुबह 10 बजे जो जुलूस है उसको शुरू किया जाएगा, जो कि मौलवीगंज, रकाबगंज और जितने भी यहियागंज तिराहा है, नकाज तिराहा है, उसको होते हुए जो चिड़ियागंज है वो पहुंचेगा। यहाँ से बाजार खाना थाने के सामने से होकर लगभग माधव यानी हैदरगंज तिराहे से बाएं मुड़कर ऐशबाग ईदगाह पर समाप्त होगा। ऐसे में सुबह 7 बजे से जुलूस की समाप्ति तक जो 16 मार्ग है उस पर डायवर्जन रहेगा। वहीं गणेश उत्सव के चलते 9 मार्गों पर 13 सितंबर से जो डायवर्जन है वो लागू ऑलरेडी है, जो कि 17 को गणेश चतुर्थी तक जारी रहेगा। तो ये जो रूट डायवर्जन है ये इसीलिए किए गए हैं ताकि जो लोग हैं गणेश चतुर्थी के लिए, विसर्जन के लिए जाते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, साथ ही जो यातायात है उसको कोई दिक्कत ना हो, लोगों को जहां पहुंचना है वहां पर विलंब ना हो, इसको लेकर के जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं कि जो डायवर्जन है रूट का वो कर दिया गया है, ताकि त्योहारों में किसी तरीके का कोई भी ऑब्स्टिकल देखने को ना मिले। बिल्कुल। और निकिता, इसको लेकर क्या जानकारी दी, कितने देर के लिए ये रूट डायवर्जन रहेगा, क्या आज पूरे दिन के लिए रहेगा, 24 घंटे के लिए रहेगा, इसको लेकर कोई गाइडलाइन? देखिए, जिस तरीके से जुलूस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज 12 वफाद है और जुलूस की जो मैंने विस्तार से जानकारी दी है, जहां जहां से जुलूस निकलेगा उन फिलहाल जगहों पर डायवर्जन कर दिया गया है, और ये जुलूस सुबह के टाइम निकलेगा और जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जो यातायात है वो नॉर्मल तरीके से चलेगा। अब क्योंकि गणेश चतुर्थी की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर के भी यहाँ पे डायवर्जन देखा जा रहा है, क्योंकि गणेश चतुर्थी और साथ ही साथ 12 वफात के जुलूस के चलते सोमवार को शहर के लगभग जो 25 मार्ग है उस पर यातायात व्यवस्था जो है वो बदली रहेगी, और जहां जहां जुलूस निकलना है, क्योंकि अमीनाबाद में सुबह 10 बजे से ही हम बता दें कि जो जुलूस है वो शुरू हो जाएगा और मौलवीगंज, रकाबगंज, यहियागंज तिराहा जैसे जगहों से निकलेगा बाजार खाला के सामने से होते हुए, तो इन सभी जगहों पर जो डायवर्जन है वो कर दिया गया है। और साथ ही अगर मैं सुबह 7 बजे की बात करूं तो जुलूस की जो समाप्ति है, समाप्ति तक आपको बता दूं कि 16 मार्च तक जो डायवर्जन है वही रहेगा, और गणेश उत्सव के चलते भी 13 सितंबर से जो डायवर्जन वो ऑलरेडी लागू है, जो 17 को गणेश चतुर्थी तक जारी रहेगा। तो फिलहाल ये जो डायवर्जन है वो लोगों की समस्या ना हो उसको देखते हुए कर दिया गया है, और फिलहाल इन त्योहारों तक इसको जारी भी रखा गया है, और इसके लिए जो धारा है वो भी लगा दी गई है, ताकि लोगों में किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन या केओस सिचुएशन क्रिएट ना हो। ठीक है निकिता, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और आगे बढ़ते बात करेंगे, सीएम योगी ने नाराजगी जताई है, दरअसल सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी की तय जवाबदेही, लफ्जिहाद, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं पर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। तो सीएम ने शिकायतों पर गलत रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में जानवरों के अटैक का खतरा है वहां जो है सोलर फेंसिंग होगी। और रविवार को विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने ये तमाम बड़े निर्देश दिए हैं। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, प्रदेश की जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रदेश की मुखिया की जो प्रतिबद्धता है वो नजर आ रही है। ऐसे में जो भी अधिकारी, जो भी पुलिस अधिकारी लापरवाही करेंगे उन पर सख्त एक्शन की भी तैयारी इस वक्त नजर आ रही है। सीएम योगी इस वक्त एक्शन मोड में है, छोटी सूचना पर एक्शन लिया जाए, क्षेत्र में महिला पुलिस बीट अधिकारियों को एक्टिव रखें। और एक बार फिर से निकिता का रुख करेंगे, निकिता सरीन संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से लाइव बनी हुई हैं। निकिता, प्रदेश के मुखिया के द्वारा प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए जो प्रतिबद्धता है वो कहीं ना कहीं तब नजर आती है जब बिल्कुल एक्शन मोड में होते हैं, जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। देखिए, ये सारी चीजें समय समय पर होनी चाहिए, ये जरूरी भी है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि लफ्जिहाद और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं,
और सिपाहियों से लेकर के डिप्टी एसपी तक जो उनकी जवाबदेही है अगर ये सारी घटनाएं होती हैं, खास तौर पर लव जिहाद जैसी और चेन स्नैचिंग जैसी, तो अब उनकी जवाबदेही तय है। मुख्यमंत्री ने शिकायतों पर गलत रिपोर्ट लगाने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं उन पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं, और ये भी कहा है कि जिन गांवों में जानवरों के अटैक का खतरा है वहां पर सोलर फेंसिंग भी होनी चाहिए। जिस तरीके से रविवार को डेवलपमेंट कार्य कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने ये सारे ऑर्डर्स दिए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि लव जिहाद, चेन स्नैचिंग, ईव टीजिंग की जो छोटी से छोटी सूचना है उस पर तत्काल यानी तुरंत के तुरंत एक्शन भी होना चाहिए। क्षेत्र में महिला पुलिस बीच अधिकारियों को एक्टिव रखने के लिए कहा है। उन्होंने उनको ये भी कहा है कि समय समय पर जो पेट्रोलिंग है वो करें, और मुख्यमंत्री ने 16 सितंबर को 12 वफात की जो अतिरिक्त अनंत चतुर्थी है उसका की जो गणेश उत्सव वो मनाया जाएगा, और उसके बाद फिर से आपको बता दूं कि पितृ पक्ष है उसका आरंभ हो जाएगा, और 3 अक्टूबर से जो शारदीय नवरात्र है वो होगी, और उसके बाद विजयदशमी का उत्सव है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत से अगर हम देखें तो ये समय संवेदनशील है, और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शांतिपूर्वक जो बयानबाजी है, जो शरारत पूर्ण बयानबाजी कह सकते हैं वो करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके साथ जो ऐसा करते हैं उनके साथ लगातार कड़ाई है वो पेश की जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो सीएम हेल्पलाइन है, थाना, तहसील, विकास खंड में पहुंचने वाले जो कंप्लेन करता है यानी शिकायत करता है उनकी तुरंत सुनवाई भी की जाए, शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक की जो ऑफिसर्स हैं उनका जो प्रदर्शन है वो माना जाएगा, यानी कि जैसे ही कोई कंप्लेन करता है तुरंत एक्शन अगर लिया जाए तो परफॉर्मेंस अब अधिकारियों को ऑफिसर्स का इसी पर चेक होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भ्रमित रिपोर्ट लगाते हैं लोग उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो हो, यानी कि जेन्युइनली अगर ये सारी चीजें कोई फेस कर रहा है तो इसकी रिपोर्ट लिखने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो भ्रम फैलाता है, जो आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, जो ऐसे कॉमेंट देता है उसके अगेंस्ट भी अब एक्शन होगा, और ये सभी काम सिर्फ और सिर्फ सरकार इसलिए कर रही है कि अब आगामी समय में जो त्योहार है उससे किसी को भी बाधा ना आए और पीस हार्मनी के साथ जो त्योहार है वो सब शांतिपूर्वक लोग